लेक्चर के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमने टास्क एनालिसिस अगर कॉग्निटिव मॉडल्स के थ्रू परफॉर्म करना होता है तो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कॉग्निशन या कॉग्निटिव मॉडल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो हमारे पास कॉग्निटिव मॉडल्स जो होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि यूजर का लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है, वो नॉलेज लेता किस तरह से है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, वो प्रोसेसिंग किस तरह से करता है डिफरेंट थिंग्स की, उसके पास जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग के लिए यूजर किस तरह के मॉडल्स अपने मेंटल मॉडल्स बनाता है। तो कॉग्निटिव मॉडल्स में हम यूजर के मेंटल मॉडल्स पर बात कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव मॉडल हम यूज करते हैं किसी भी इंटरैक्टिव सिस्टम के यूजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा जो यूजर है उसको हम इन टर्म्स ऑफ यूजर अंडरस्टैंडिंग देख रहे होते हैं कि यूजर का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, यूजर के नॉलेज के लेवल पर बात हो सकती है, उसके इंटेंशंस या गोल्स हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर हमारा यूजर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो उसके जो मेंटल मॉडल्स हैं वो किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे होंगे और वो किस तरह से यूजर्स के गोल्स को चेंज कर रहे होंगे या नए गोल्स सेट कर रहे होंगे, या यूजर एक स्क्रीन पे होता है तो उस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी शो हो रहा होता है वो जो चीजें यूजर को नजर आ रही होती है उसके मुताबिक यूजर की इंटेंशन या उसके गोल्स वहां पे क्या हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम कॉग्निटिव मॉडल्स के अंदर देख रहे होते हैं। कॉग्निटिव मॉडल्स में भी हम टास्क और गोल हायरार्कीज यूज करते हैं। वो टास्क और गोल हायरार्कीज इस तरह से होती है कि हम इसके अंदर भी गोल जो हमारा होता है उस गोल को हम सब गोल्स में डिवाइड करते हैं या हम टास्क में डिवाइड कर रहे होते हैं, सब टास्क में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें भी स्ट्रेटजी हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर वाली नहीं होती है, यानी कि हम अपने बिगर गोल को डिवाइड करते हैं स्मॉलर पोर्शंस के अंदर, फिर उन पोर्शंस को या उन टास्क को हम वन बाय वन परफॉर्म करते जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस से क्या होता है कि हमारे पास जो एक बिगर गोल होता है वो अचीव हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपने एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट करवानी है, तो आपके पास ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए आप जो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास टास्क होते हैं। तो हमारे पास इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो ये गोल आ रहा है ना वो ये कि हमने सेल्स रिपोर्ट प्रोड्यूस करवानी है। हम सेल्स रिपोर्ट प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमने डेटा गैदर करना होता है, हम लेआउट उस डेटा का लेआउट देते हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल्स या हिस्टोग्राम्स, और हमारे पास क्या होता है हमारे पास ना कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है तो हम यूजर के लिए डिस्क्रिप्शन राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो आपका इस टास्क इस गोल को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 3 मेजर टास्क हैं। आप डेटा गैदर करेंगे, आपके पास जो डेटा आएगा उसको आप टेबुलर फॉर्म में या किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे, और जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे ना ग्राफ्स या टेबल्स या चार्ट्स की फॉर्म में उसकी आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है या ये जो आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट थिंग्स का मतलब क्या है। तो आपके पास ये जो मेजर टास्क हैं डेटा गैदरिंग के, लेआउट के और डिस्क्रिप्शन के, इसको आप फर्दर सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं कि आप डेटा किस तरह से गैदर करेंगे, आप टेबल्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे और आप इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो गैदर डेटा है उसके लिए जो हम हायरार्की बनाते हैं उसमें हम वन लेवल डाउन जा रहे होते हैं। वन लेवल डाउन जाके हमारे पास जो डेटा गैदरिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले बुक नेम्स फाइंड आउट करते हैं और फिर आपके पास सेकेंड टास्क ये होता है कि आपने सेल्स का डेटाबेस सर्च करना होता है कि जो हमने बुक्स फाइंड आउट की है उनकी सेल्स कितनी हुई है। तो इस रिपोर्ट में हम ये फाइंड आउट करके बता रहे हैं कि हमारे पास जो बुक्स हैं इन पर्टिकुलर बुक्स की इतनी सेल्स हुई है, तो हम सेल्स की रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो आपके पास फाइंडिंग बुक का टास्क है या आप जो बुक नेम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 थिंग्स के अंदर या 2 स्टेप्स में या 2 टास्क आप इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला टास्क ये होता है कि आप कीवर्ड से सर्च कर लें, जो आपकी डेटाबेस है उसके अंदर आप कीवर्ड्स लगाएं और उससे आप अपनी बुक्स को सर्च कर लें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बुक्स का कोई कीवर्ड जो होता है वो नहीं मिल रहा होता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डेटाबेस के अंदर जो आपके नेम पड़े हुए हैं फाइल्स के उसको आप बाय हैंड सर्च कर लें उसके नेम से या एब्स्ट्रैक्ट से, तो आपके पास बुक्स की डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब इसके अंदर जो आपको हायरार्की नजर आ रही है, इसमें इसमें डॉट्स लगे हुए हैं. ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिकली एक लेवल के टास्क हैं. जैसे आपके पास गैदर डेटा है और लेआउट है और ये आपके पास राइट डिस्क्रिप्शन है, इसकी इंडेंटेशन सेम है, तो ये एक लेवल के टास्क है. नेक्स्ट लेवल के टास्क में आपके पास फाइंड बुक नेम्स है और आपके पास सर्च सेल डेटा है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की आपके पास बन रही है वो ये वाली बन रही है. आपके पास कीवर्ड्स की डिटेल्स है, आपके पास सिफ्टिंग की डिटेल्स है, तो ये आपके पास नेक्स्ट लेवल आ रहा है. अगर आप कीवर्ड सर्च को फर्दर सब टास्क में डिवाइड करना चाहते हैं या छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपके पास जो नेक्स्ट हायरार्की लेवल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा. आप यहाँ से उसका हायरार्की लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फर्दर सब गोल्स आ जाएंगे. इसी तरह से आप जो टेबल्स और लेआउट्स दे रहे हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में, उसको भी आप फर्दर सब गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर आपकी जो इंडेंटेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी. सेम आप डिस्क्रिप्शन के साथ भी कर सकते हैं. अगर आप इसको फर्दर सब गोल्स में डिवाइड करेंगे तो फिर उसके बाद जो आपके पास सब गोल्स की नई हायरार्की आ रही होगी वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इससे पता ये चलता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको हम सिंगुलर टास्क में किस तरह से डिवाइड करेंगे. हमारे पास जो कॉग्निटिव मॉडल्स की टास्क एनालिसिस के लिए यूज होती है टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स, उनमें हमारे पास दो बेसिक टेक्निक्स होती है. एक तो हमारे पास गोम्स मॉडल्स होता है और हमारे पास सीसीटी होता है. सीसीटी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी और हमारे पास गोम्स जो है वो गोल्स ऑपरेटर्स मैथड्स और सिलेक्शन के लिए यूज होता है. इसमें से हम फर्स्ट वाला जो टेक्निक है वो डिस्कस करेंगे. तो गोम्स स्टैंड्स फॉर गोल्स ऑपरेटर्स मैथड्स एंड सिलेक्शन. तो गोल्स तो वो होते हैं जो यूजर ने एट द एंड अचीव करने होते हैं. तो आपका यूजर जो कुछ भी डिटरमिन कर रहा होता है कि आपका जो सिस्टम का स्टेट है फ्यूचर में वो क्या होना चाहिए, वो उसका गोल स्टेट होता है या वो उसका गोल होता है. कि उसने एट द एंड ऑफ सम फंक्शन या कुछ टास्क परफॉर्म कराने के बाद उसका एक गोल क्या होगा, उसे एंड में क्या चीज अचीव करवानी है, वो उसका गोल होता है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम जितने भी बेसिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, जैसे आप बटन क्लिक कर रहे हैं, जैसे आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ये सारे बेसिक एक्शंस होते हैं. तो इन एक्शंस को हम कहते हैं ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं. यानी कि आपने अगर एक गोल अचीव करना है तो आप उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगाएंगे तो फिर आप वो गोल अचीव कर सकते हैं. आप कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, उन एक्शंस को परफॉर्म करके आप अपना रिक्वायर्ड गोल अचीव करेंगे. नेक्स्ट आपके पास मैथड्स होते हैं. तो मैथड्स जो होते हैं ना, वो मैथड्स एक्चुअली ये बता रहे होते हैं कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या हम अपने गोल्स को किस तरह से सब गोल्स में और ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करके हम डीकम्पोज कर सकते हैं. तो मैथड्स में हमें डीकम्पोजिशन बताई हुई होती है कि आप अपने गोल्स को इन इन मैथड्स के थ्रू डीकम्पोज कर सकते हैं या आप डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटजीज के ऊपर लगा सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन है. तो जब आपके पास मल्टीपल मैथड्स होते हैं तो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या करता है, आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपके पास जो कम्पीटिंग मैथड्स हैं उन मैथड्स के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर मैथड चूज कर लें. तो हमारे पास जो यूजर के टास्क होते हैं ना, उन टास्क को हम गोल्स और मैथड्स की टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. जो आप मैथड्स होते हैं आपके पास, वो आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दे रहे होते हैं. आपके पास ईच सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है उसमें आपके पास वन और मोर ऑपरेटर्स होते हैं और वन और मोर ऑपरेटर्स में आप जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिफाइन करते हैं. इसके अलावा आपके पास जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, उन सिलेक्शन रूल्स में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप वन और मोर टास्क के मैथड्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए आप किस किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप वो वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. उसके लिए सिलेक्शन रूल होता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस पर्टिकुलर टाइम पे यूजर इनमें से कौन सा मैथड चूज कर सकता है, तो वो आपके पास सिलेक्शन रूल्स आ जाते हैं. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा सही से क्लियर हो जाए कि गोम्स में किस तरह से काम होता है. तो गोम्स में आपके पास यहाँ पे एक गोल है, जिसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो गोल है वो क्लोज विंडो है. यानी कि यूजर ने एट द एंड क्या रिजल्ट अचीव करना है, उसने जो भी विंडो ओपन की हुई है वो उस विंडो को क्लोज करना चाह रहा है. तो ये यूजर का गोल आ गया. अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, ये वाला. इस डॉट का मतलब ये होता है कि आप जो इसके आगे आपने सारी की सारी चीजें लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे
प्रेजेंट है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट लगाया हुआ है, सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि यूजर जो है वो इन डिफाइंड मेथड्स में से किसी भी मेथड को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दो मेथड्स नजर आ रहे हैं, आपके पास एक मेथड है यूज मैन्यू मेथड और एक आपके पास मेथड है बस प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू कीज। तो यूजर क्या कर सकता है, यूजर दो तरह से विंडो को क्लोज कर सकता है, या तो वो मैन्यू मेथड में जाए वहां से क्लोज कर ले विंडो को, या फिर वो क्या करे कि कंट्रोल डब्ल्यू की कीज प्रेस करे और उसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। अब आपके पास ये वाला जो मेथड है इस मेथड को फर्दर सब टास्क में डिवाइड किया हुआ है, या आपको कुछ स्टेप्स डिफाइन करके बताए हुए हैं कि ये वाला मेथड अगर आपने यूज करना है तो आप कौन से स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने मूव करना है माउस को फाइल मेन्यू तक, आप फाइल मेन्यू पे लेके जाएंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आप पुल डाउन करेंगे फाइल मेन्यू को। जब आप पुल डाउन कर लेंगे फाइल मेन्यू को तो आपके पास ऑप्शंस नजर आने लगेंगी और उन ऑप्शंस में से आपने क्लिक करना है क्लोज के ऑप्शन के ऊपर। तो आप ये क्लोज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो गोल है ये अचीव हो जाएगा, क्लोज विंडो वाला गोल। सेकेंड आपके पास जो मेथड है उस सेकेंड मेथड में आप यूज कंट्रोल डब्ल्यू मेथड कर रहे हैं, उसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल डब्ल्यू की कीज को और आपका जो भी विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। अब इस ये जो आपके पास पूरा का पूरा बोम्स का मॉडल दिया हुआ है, इस बोम्स के मॉडल में आपके पास दो मेथड्स हैं, यूज मैन्यू मेथड और आपके पास ये गोल जो सेकंड वाला नजर आ रहा है ये आपको सेकंड मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है यूज कंट्रोल डब्ल्यू मेथड। इस कंट्रोल डब्ल्यू मेथड के लिए हमारे पास ये वाला स्टेप है, तो आपके पास एक ही स्टेप है कंट्रोल डब्ल्यू मेथड के लिए। यहाँ पर जो आपके पास मेथड आ रहा है इसमें आपके पास तीन स्टेप्स हैं, आप मूव कर रहे हैं माउस को या कर्सर को फाइल मेन्यू तक, आप पुल डाउन कर रहे हैं और फिर आप क्लिक कर रहे हैं। ये जो आपके पास स्टेप्स नहीं है इन स्टेप्स के अंदर आपके पास ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन ऑपरेटर्स में आपके पास मूव का एक्शन है, आपके पास पुल डाउन का एक्शन है, आपके पास क्लिक ओवर का ऑप्शन है और इस यूज कंट्रोल डब्ल्यू मेथड में आपके पास जो ऑपरेटर है वो प्रेस का ऑपरेटर है। यानी कि यूजर ने यहाँ पे जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो एक्शंस हम ऑपरेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। इसके अलावा गोम्स के मेथड में गोल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, हमने ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए। ये जो आपके पास सिलेक्शन रूल्स होते हैं ये सिलेक्शन रूल्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपके किसी भी पर्टिकुलर यूजर के लिए सिलेक्शन रूल्स डिफाइंड है। रूल वन क्या है कि आप फाइल मेन्यू मेथड यूज कर सकते हैं अगर तो आपके सिस्टम पे एक उसकी स्टेट के ऊपर कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी यूजर को जो ऑप्शन आपने प्रोवाइड करनी है वो आपके पास यूज मैन्यू मेथड की होगी। आपके पास जो सेकेंड रूल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेशन गेम है, यानी कि यूजर अगर कोई गेम प्ले कर रहा है तो फिर वहां पे यूजर जो है ना वो सेलेक्ट करेगा कंट्रोल डब्ल्यू मेथड को। जैसे आप गेम्स प्ले करते हैं तो वहां पे आपके पास मैन्यू का मेथड नहीं आ रहा होता है बल्कि आपको शॉर्ट की प्रेस करते हैं, जैसे आप एस्केप प्रेस करते हैं, आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं क्विट करने के लिए, या आप कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे और फिर आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये आपके पास सिलेक्शन रूल्स है, यूजर की स्टेट को देखते हुए सिलेक्शन रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं कि यूजर इन में से कौन कौन सा रूल फॉलो कर सकता है और उन रूल्स के थ्रू वो कौन सा मेथड यूज करेगा। ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा यूजर है उसका गोल ये है कि उसने सेंटेंस डिलीट करवाना है। तो आपके पास यहाँ से हायरार्की स्टार्ट हो रही है, आपने एक डॉट यहाँ पे लगाया है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लेवल पे आपके पास यहाँ पे फोर मेथड्स नजर आ रहे हैं। आपने इसको ये जो ब्रैकेट्स नजर आ रही है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने इसको इंपोज किया हुआ है। ये आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट यहाँ पे है और एंडिंग ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, और आपने यहाँ पर सिलेक्ट इसलिए लगाया हुआ है कि यूजर जो है इनमें से किसी भी मेथड को सिलेक्ट कर सकता है। अब ये जो आपका गोल है इसको आपने फर्दर गोल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ये है कि आप सिलेक्ट डेल मेथड यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट बैकस्पेस मेथड यूज कर सकते हैं, आप डेल की का मेथड यूज कर सकते हैं और आप बैकस्पेस का मेथड यूज कर सकते हैं, बैकस्पेस की का मेथड यूज कर सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट वाला मेथड है यूज सिलेक्ट डेल मेथड, उसमें जो आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं वो ये स्टेप आ रहे हैं कि आप सिलेक्ट करें सेंटेंस को और फिर आप प्रेस कर दें डिलीट की को।
आपके पास जो सेकेंड वाला मेथड है उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप बैकस्पेस मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं। बैकस्पेस मेथड में क्या है कि आप उसी तरह से सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना माउस जो है वो सेंटेंस के ऊपर लाके उसको क्लिक करके आप उसे ड्रैग करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उस सेंटेंस को सिलेक्ट करके आप बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो डिलीट हो जाएगा। आपका जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आप सिंपली डेल की मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि आपने अपने कर्सर को पोजीशन करना है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और उसके बाद आप की प्रेस करेंगे डेल की हर लेटर के लिए जो जो आपको डिलीट करना है। जितने लेटर्स आपको डिलीट करने हैं उतनी दफा आप डेल की को प्रेस करेंगे तो आपके वो लेटर्स वहां से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास जो फोर्थ मेथड है वो है बैकस्पेस की मेथड। इसमें भी आप सेम वही कर रहे हैं, आप पोजीशन करेंगे कर्सर को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आप यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप अपना बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे और आप जितने भी लेटर्स डिलीट करवाना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड में से या किसी भी सेंटेंस में से उतने टाइम आप बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपका वो जो सेंटेंस है वो डिलीट हो जाएगा। इसमें आपके पास किसी एग्जाम्पल में जो आपके पास सिलेक्शन रूल्स हैं वो ये है कि आपके पास रूल वहाँ ये है कि यूजर जो है ना वो सिलेक्ट करेगा यूज सिलेक्ट डेल मेथड या यूज सिलेक्ट बैकस्पेस मेथड अगर आपके पास सेंटेंस बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग सेंटेंस होने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पूरा का पूरा पैसेज एक साथ डिलीट करवाना है या आपको एक सेंटेंस जो है ये बहुत बड़ा सा है ये आपको डिलीट करवाना है तो इट मीन्स कि आप इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लें एक साथ और फिर आप डेल की प्रेस कर दें या आप बैकस्पेस की प्रेस करते हैं तो आपके पास ये वाला सेंटेंस एक ही दफा में डिलीट हो जाता है। जो आपके पास सेकंड वाला रूल है वो ये है कि आप सिलेक्ट डेल मेथड या सॉरी आप यूज डेल मेथड या आप यूज बैकस्पेस मेथड यूज करेंगे अगर आपके पास सेंटेंसेस शॉर्ट हैं, यानी कि अगर आपके पास शॉर्ट सेंटेंसेस हैं तो वो शॉर्ट सेंटेंसेस डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट ना भी करें, आप सिर्फ यहाँ पे कर्सर लाएं, कर्सर को यहाँ पे प्लेस करें और आप जो है वो बैकस्पेस पे डिलीट जो है वो प्रेस करें तो आपका ये वाला जो वर्ड है ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। या आप अपने माउस को यहाँ पे प्लेस करें सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आए और आप डेल की प्रेस करें तो आपके पास ये वाला जो मेथड है ये वाला एक्टिवेट हो सकता है। देन आपके पास रूल भी ये है कि अगर तो आपके आपका जो यूजर है उसका जो कर्सर है वो सेंटेंस के स्टार्ट के करीब है, यानी आपका कर्सर यहाँ पे है तो डेफिनेटली आपको कोशिश ये होगी कि आप कर्सर को यहाँ पे प्लेस करें और फिर आप जब स्टार्ट में प्लेस करते हैं तो फिर आप डेल का मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैकस्पेस का मेथड यूज करेंगे तो फिर जो आपका पीछे वाला सेंटेंस है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रूल फोर ये है कि आपके पास जो यूज बैकस्पेस मेथड है वो तब यूजर यूज करेगा जब उसके पास जो कर्सर है वो सेंटेंस के एंड के करीब होगा, यानी कि आपका कर्सर अगर यहाँ पे है तो आप कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और आप बैकस्पेस का मेथड यूज करेंगे तो आपका ये वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस लेक्चर के रेफरेंसेस ये गिवन है, अगर आपको इसके बारे में फर्दर स्टडी करना है तो आप इन रेफरेंसेस पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में विजुअल इंटरफेस डिजाइन या फिर GUIs होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस या हमारे पास विजुअल इंटरफेसेस जो होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह।